हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सबा परवीन। सबा डिशेस में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे स्पंजी दोसे और बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये दोसे। चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक गिलास चावल, दो टेबल स्पून माश की दाल, थोड़ा सा कच्चा नारियल और थोड़ा सा सादा चुड़वा यानी पोहा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल और माश की दाल को धोकर भिगोकर रख लेंगे एक आधे घंटे के लिए। चलिए ये देखिए, मैं पहले से ही इसे आधा घंटा पहले भिगोकर रख लिया था। अब हम इसे पहले इसे ग्राइंड कर लेंगे। चावल और दाल को 50% तक हम पीस लेंगे फर्स्ट। चलिए इसको 50% तक मैंने पीस लिया है। अब इसमें कच्चा नारियल और चुड़वा डाल देंगे, लेकिन चुड़वे को भिगो कर डालेंगे। एक बड़े कटोरे में चुड़वा, पानी डालकर चुड़वे को सॉफ्ट कर देंगे। चलिए अब इसे अच्छा सॉफ्ट पीस लेंगे। चलिए बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसे ओवरनाइट रखेंगे, ढककर ओवरनाइट रखिए। थोड़ी सी हवा आने जाने के लिए रखिए, मेरे लीड में थोड़ा सा होल है। हम बैटर को देखते हैं, हम इसे ओवरनाइट रखे हैं। ये देखिए बैटर अच्छे से फूल गया है। अब इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी तिल, चॉप्ड हरी मिर्च और चॉप्ड कोथमीर। बैटर में हम थोड़ा सा नमक मिक्स कर लेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बैटर हुआ है ये। पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे फर्स्ट। इस पे थोड़ी सी तिल, थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ा सा तेल डालेंगे। ढक्कन ढाप कर धीमे पे इसे बनाएंगे। ये देखिए ऊपर से सॉफ्ट और नीचे से अच्छे से क्रंची हो गया है। इसी तरीके से सारे दोसे बना लेंगे। इसे धीमे से पकने दीजिए। इसी तरीके से thank you.
चलिए सारे दोसे हमारे रेडी हो गए हैं, ऊपर से सॉफ्ट और नीचे से बहुत ही क्रंची बने हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके साथ आपको चटनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूर ट्राई कीजिए इसे।